अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वजीर राम सिंह स्टेडियम फतेहपुर में खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी जगदीश राणा ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई योजनाओं पर जानकारी बांटी और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं एकल नारियों को स्वरोजगार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस मौके पर आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी है अनमोल सहित अन्य महिलाओं से संबंधित योजनाओं व गीतों व नाटकों के माध्यम से प्रकाश डालते हुए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वैसा भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी अपनी सहभागिता इसमें नहीं होगी, चाहे वो पुरुष प्रधान है चाहे वो महिला है, कहीं ना कहीं हमारे को इस चीज पर सोचना पड़ेगा कि आखिर जो समानता नहीं मिलती है या किसी भी प्रकार का महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार होता है, कोई डोमेस्टिक घरेलू हिंसा होती है, इसकी वजह क्या है।